Question number 1. Which one of the following food substances is rich in carbohydrates? A. Rice, B. Pulse, C. Milk, D. Egg. Correct answer is option A. Rice. Rich in carbohydrate in rice. Question number 2. Which one of the following is a biotic component of environment? Option A. Air, B. Water, C. Soil, D. Insect. Correct answer is option D. Insect. Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड के सैंपल पेपर्स एंड सिलेबस लेकर आई हूँ. चलिए इसके क्वेश्चंस पेपर देखने से आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसके हम सिलेबस को देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं. चलिए इसको सिलेबस को समझ लेते हैं. इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड जो सिल्वर जोन ओलंपियाड के द्वारा करवाई जाती है. सिल्वर जोन ओलंपियाड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये ओलंपियाड के एग्जाम करवाए जाते हैं. सिल्वर जोन ओलंपियाड के अदर क्लासेस एंड अदर सब्जेक्ट्स के मैंने क्लास वाइज सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस डाले हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें. साथ ही सिल्वर जोन ओलंपियाड क्या होता है, उस एग्ज़ाम को आप कैसे दे सकते हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने डाले हैं. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक डाल दूंगी, एक बार अवश्य देखें. तो चलिए आज क्लास फोर्थ के इसके हम सिलेबस देखते हैं. टैलेंट हंट ओलंपियाड में 3 पेपर को साथ में ऐड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहला सेक्शन हो जाता है साइंस, दूसरा सेक्शन हो जाता है मैथमेटिक्स एंड तीसरा सेक्शन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. फर्स्ट सेक्शन में क्लास फोर्थ के जो साइंस के सिलेबस रहते हैं उससे कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे प्लांट एनिमल, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेजरमेंट, मैटर एंड मटेरियल, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट एंड आवर यूनिवर्स. इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन मार्क्स 3 रहते हैं. इस प्रकार टोटल मार्क्स 30 हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स से रहता है, नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशंस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मनी एंड यूट्री मेथड, एरिया पैरामीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड डेटा हैंडलिंग. एंड नेक्स्ट हमारा सेक्शन हो जाता है आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से हमारा सेक्शन में टॉपिक्स हो जाता है एनालॉजी, पैटर्न, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शन टेस्ट. तो इससे 10 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं. इस प्रकार इस सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस जो है हमारे. नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन से. टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 100 के रहते हैं और इन एग्जामों में टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहता है. तो चलिए आगे हम इस क्वेश्चन पेपर में आगे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. मिल्की वे इज द नेम ऑफ ए स्टार, बी प्लैनेट, सी सैटेलाइट, डी गैलेक्सी. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गैलेक्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैथमेटिक्स से आपको दिख रहा है. चलिए इसके कैलकुलेशन हमने करके रखे हैं. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 130 kg प्लस 125 kg इक्वल टू 70 kg प्लस 90 kg प्लस 1. यानी इन दोनों का जो प्लस है वहाँ पर इक्वल के बराबर इन दोनों का प्लस भी आपको आना चाहिए. मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है ये दोनों प्लस करके जितने अमाउंट आ रहे हैं उतने अमाउंट इन दोनों प्लस करके भी आना चाहिए. तो फाइंड द वेट ऑफ ये, तो ये हमें निकालना है. तो चलिए इसके मैंने करके रखे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ. देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 130 प्लस 125 इज इक्वल टू 225 हो गया यहाँ पर 225। नेक्स्ट जो है ये हमारा 70 केजी प्लस 90 केजी, इनको हम प्लस करके देखेंगे तो ये 160 आया। तो टोटल 225 में से 160 को माइनस करेंगे तो 95 केजी आएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 95 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड सम ऑफ ए एंड बी। चलिए इसको हम देख लेते हैं ए एंड बी किस प्रकार आएगा। यहाँ पर 15 प्लस 27 इक्वल टू 42 दिया गया है। नेक्स्ट ए एंड बी इक्वल टू 25 एंड 20 प्लस बी इक्वल टू 50। क्योंकि 15 प्लस 27 को हम प्लस करते हैं तो ये हमारा होता है 42। तो इसी प्रकार अगर 25 में से ए प्लस 18 इक्वल टू 25 लाना है तो 25 में से 18 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और नेक्स्ट इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालने के लिए हमको 50 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए प्लस बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 30, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लस बी इजकल टू 45896 इक्वल टू सी प्लस डी। इफ सी प्लस डी इजकल टू 96023 प्लस बी देन द फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ ए। हमको क्या निकालना है, यहाँ फाइंड ऑफ वैल्यू ए निकालना है। तो चलिए देखिए ये मैंने इस प्रकार सॉल्व किए हैं। यहाँ पर कोडिंग वर्ड के हिसाब से आपको बता रखा है। देखिए a प्लस बी गिवन द c प्लस डी इजकल टू ए प्लस बी। यहाँ पे क्या है, c प्लस डी इजकल टू ए प्लस दिया गया है। तो a प्लस बी इजकल टू 45896। तो देन a c c टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 45896 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 96023 प्लस बी। तो देन जो हो जाएगा 45896 प्लस ए इक्वल टू इतना प्लस बी प्लस बी। सो ए इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 50127। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द टू नंबर्स ऑफ द इक्वल 1200 प्लस 13 तो फाइंड द अदर्स नंबर। मान लीजिए दो नंबर है ए प्लस बी, ठीक है। तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारी दी हुई है 1800। दोनों की वैल्यू हमारी 1800 दी गई है। और नेक्स्ट जो है ये वन वैल्यू नंबर्स ऑफ इक्वल टू सम ऑफ वन। तो एक नंबर की वैल्यू की क्या दी गई है, 1200 प्लस 300 इक्वल टू 1200 प्लस 300 को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1500। तो दूसरी वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड द अदर वैल्यू। तो 1800 माइनस 1500, 1800 में से हम 1500 को माइनस कर देंगे तो हमारा सेकेंड वैल्यू निकल जाएगा। तो 1800 में से 1500 को माइनस किए तो हमारा आंसर आ रहा है 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन में 300 हम देख लेते हैं कि इसमें है, ऑप्शन सी इज द 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 11/1। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क वाटर बोट एयर व्हाट। जिस प्रकार वाटर और बोट में रिलेशन है उसी प्रकार एयर के साथ किसका रिलेशन है। तो बोट कहाँ चलती है, पानी में चलती है। उसी प्रकार एयर में क्या चलेगी, साइकिल, बी एरोप्लेन, सी बस या डी ट्रेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरोप्लेन। एरोप्लेन एयर में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
In the five numbers of family, M और N are brother. M और N are brother. चलिए इसके according to हम देख लेते हैं. यहाँ हमने लिखा M और N are brother हो गए. पहला statement में हमने लिख दिया M और N are brother. Brother and sister. M is the wife of T. M is the wife of T. तो M यहाँ पर क्या हो गई? Female हो गई. N brother हो गया. और M और T क्या हो गए? Husband और wife हो गए. नेक्स्ट है एम वाइफ ऑफ टी हो गई. ये सीक्वेंस, ये वाली लाइन में हमने ये डाल दिया. ठीक. डी इज द फादर ऑफ टी. डी क्या है? टी के फादर है. तो ये टी के फादर हो गए डी. एंड एम एस सन्स ऑफ एल. एम का सन कौन है? एम की सन है एल. तो अब पूछा जा रहा है हाउ टू रिलेटेड डी एंड एल. तो डी एल एंड में क्या हो गया? ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये भाई बहन. तो इनका ये ग्रैंडसन हो गया. सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ग्रैंडसन. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें. थैंक यू.